कहानी की शुरुआत में हम पेरिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके घर के बाहर मीडिया वाले आए होते हैं। वो पेरिस से पूछते हैं कि तुमने मेरिन को क्यों मारा। दोस्तों, दरअसल पेरिस मेरिन से प्यार करता था और अब मेरिन मर चुकी है, इसलिए उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने मेरिन का रेप करके उसे मार दिया है। पर वहाँ पेरिस उन मीडिया वालों से मेरिन के बारे में कुछ नहीं कहता और अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास आता है जिनका नाम लीडिया और टेरी होता है। वो पेरिस से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। पर पेरिस के फादर को अभी भी लगता है कि शायद पेरिस ने ही मेरिन को मारा है, इसलिए पेरिस यहाँ से उठकर चला जाता है। पेरिस जब वहाँ से बाहर आकर बैठा होता है तभी उसके पास उसका भाई आता है। इसी बीच यहाँ उसके बचपन का दोस्त भी आ जाता है जिसका नाम ली होता है। ली इन्हें बताता है कि वो लैब जल चुकी है जिससे मेरिन के केस में मिलने वाले सबूत हमें नहीं मिलेंगे। पेरिस ये सुनते ही काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उस लैब में मेरिन की मेडिकल रिपोर्ट थी जिससे उस रेपिस्ट का पता चल सकता था। अब रात को मेरिन के फादर डेल और उसके रिलेटिव मिलकर मेरिन की आत्मा को शांति देते हैं। यहाँ डेल सबसे कहता है कि मेरिन के मर्डर की सजा गॉड उसे जरूर देंगे। सबके जाने के बाद पेरिस मेरिन के कैंडल्स पर पेशाब करके उससे भला बुरा कहता है। तभी यहाँ ग्लेना आती है जो उसे डांट कर भगा देती है, पर पेरिस ने ज्यादा ही ड्रिंक किया था इसलिए ग्लेना उसे संभालती है और अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह पेरिस जब खुद को शीशे में देखता है तो उसके सर में एक सींग निकला हुआ होता है। ये देखकर पेरिस काफी घबरा जाता है और बाहर आकर वो अपनी फ्रेंड ग्लेना को वो सींग दिखाता है, लेकिन ग्लेना उसकी बात सीरियस नहीं लेती है बल्कि वो उसे अपनी ही स्टोरी सुनाने लगती है। ग्लेना पेरिस से कहती है कि उसकी बॉडी फिट नहीं है जिसकी वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता, और तुम भी मेरे पास रात को इसीलिए सोए क्योंकि तुम नशे की हालत में थे, वरना मेरे साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। अब पेरिस अपने सींग को निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और उसे रिसेप्शनिस्ट को अपनी सींग दिखाता है, लेकिन वो पेरिस के सींग को देखकर सीरियस नहीं होती और उसे फिल करने के लिए एक फॉर्म देती है। इसके बाद पेरिस बाहर जाता है जहाँ पर एक लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। तभी उस लड़की की मॉम पेरिस से कहती है कि मुझे अपनी बच्ची को लात मारनी चाहिए क्योंकि वो चिल्ला रही है और आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो रही है। दरअसल ये सच्चाई पेरिस के सिर में आई सींगों की वजह से निकल रही थी। अब पेरिस अपना फॉर्म रिसेप्शनिस्ट को देता है तो वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि मुझे उस लेडी को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये कहकर वो उस लेडी को गाली देकर जाने के लिए कहती है, पर उसकी ये बात सुनकर वो लेडी गुस्सा हो जाती है और शीशे पर जोर से हाथ मारती है। पेरिस उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पेरिस देखता है कि वो लेडी किसी गैर मर्द के साथ संभोग कर रही है। ये देखकर वो उसका हाथ छोड़ देता है। तभी उसकी बेटी पेरिस से कहती है कि उसकी मॉम अच्छी नहीं है और वो उसे बेड पर ही जला देना चाहती है। दरअसल उसकी मॉम किसी गैर मर्द के साथ संबंध में थी। इसके बाद पेरिस डॉक्टर से मिलता है और उन सींगों को हटाने के बारे में कहता है। फिर डॉक्टर पेरिस को बेहोश कर देते हैं। इसी बीच पेरिस को अपने बचपन की याद आती है जहाँ पर वो मेरिन से पहली बार मिला था, फिर कैसे इनके बीच गहरी दोस्ती हुई और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। इसके बाद जब पेरिस को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सींग अभी तक नहीं कटे हैं और डॉक्टर कहीं और बिजी होता है। अब पेरिस यहाँ से जाकर अपने फ्रेंड ली से मिलता है। यहाँ पर वो नोटिस करता है कि ली को उसकी सींग दिखाई नहीं दे रही है। वो सोचता है कि शायद अच्छे लोगों को उसकी सींग नजर नहीं आती। अब पेरिस यहाँ से अपने घर जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम से ये सब बताता है। तभी उसकी मॉम अजीब तरीके से रिएक्ट करती है और वो पेरिस पर गुस्सा होकर कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पेरिस अपनी मॉम के मुँह से ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और अपने फादर के पास जाकर उनसे पूछता है कि क्या आप भी मुझ पर इतना गुस्सा होते हो। यहाँ पर उसके फादर पेरिस को कहते हैं कि तुम्हें मेरिन को नहीं मारना था क्योंकि वो एक अच्छी लड़की थी और तुम्हारी दोस्त थी। इस पर पेरिस कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है, मेरी बात पर यकीन करो। तभी उसके फादर कहते हैं कि मैंने ही उस लैब में आग लगाई थी ताकि वहाँ पर मौजूद सभी सबूत मिट जाएं और तुम बच जाओ। ये सुनकर पेरिस उन पर गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुमने उस लैब में आग न लगवाया होता तो अब तक मैं बेकसूर साबित हो गया होता। ये कहकर पेरिस यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में पेरिस अपने दोस्त ली को कॉल करके ये सब बताता है। इसी बीच पेरिस देखता है कि उसके पीछे कुछ मीडिया वाले आ रहे हैं। अब पेरिस एक क्लब में आता है जहाँ उसकी फ्रेंड ग्लेना काम करती थी। तभी यहाँ पर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। पेरिस कहता है कि उसका इंटरव्यू वही लेगा इनमें से जो बेस्ट होगा। ये सुनते ही सभी रिपोर्टर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर पेरिस क्लब के अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद उस क्लब का ओनर पेरिस से कहता है कि मैं इस क्लब को इसलिए चला रहा हूँ ताकि मुझे मेरे सभी इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। यहाँ पर उस क्लब का ओनर उसके सींग को ही देखकर सच बोलता है। दरअसल सभी पेरिस के सामने उसकी सींग की वजह से ही सच बोल देते थे। अब पेरिस उन सभी से कहता है कि इसमें से किसने मेरिन को मारा है। तभी वहाँ पर एक आदमी पेरिस से कहता है कि उसका कजन एक पुलिस वाला है जिसे पता है कि नया विटनेस कौन है, और वो विटनेस एक वेट्रेस है जिसने तुम्हें और मेरिन को ड्रिंक सर्व की थी। उसने ये बयान दिया था कि तुम मेरिन को कार में छोड़कर रेस्टोरेंट से चले गए थे। ये सुनकर पेरिस को तसल्ली हो जाती है क्योंकि अब उससे पता चल जाता है कि किसने उसके खिलाफ झूठा बयान दिया था।
था। इसके बाद पेरिस कार में जाकर बैठ जाता है और अपने पास से वो रिंग निकालता है जिसे उसने मेरिन को देने के लिए रखा हुआ था। दरअसल जिस दिन मेरिन की डेथ हुई थी उसी दिन पेरिस मेरिन को वो रिंग देने वाला था। साथ ही उसने अपने भाई टेरी और फ्रेंड ली को भी यहाँ पर इन्वाइट किया था। जिसके बाद पेरिस रिंग लेकर मेरिन के पास जाता है जहाँ पर इन्हें एक वेट्रेस ड्रिंक ऑफर करती है। फिर जब पेरिस मेरिन को प्रपोज करने वाला होता है तभी मेरिन कहती है कि हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर पेरिस को काफी अजीब लगता है जिसके बाद वो गुस्से में बाहर आ जाता है और अपनी कार लेकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ टेरी को कुछ भी समझ नहीं आता कि अचानक से पेरिस को क्या हो गया है। खैर अगले दिन पेरिस के पास पुलिस आती है जो उससे बताती है कि मेरिन का कत्ल हो गया है जिसके खूनी कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अब सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ पेरिस उस वेट्रेस को सच बोलने के लिए कहता है। वो वेट्रेस कहती है कि उसने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उसे न्यूज और टीवी में फेमस होना था। इस पर पेरिस कहता है कि तुम्हारा ये बयान किसी काम का नहीं है क्योंकि उस रात मेरा भाई टेरी भी यहाँ पर था और मुझे पता है कि मैं मेरिन को यहाँ से नहीं ले गया था बल्कि मैं उस दिन कार से अकेला ही यहाँ से गया था। अगले सीन में पेरिस अपने भाई टेरी से मिलता है। फिर यहाँ पेरिस को टेरी के मुँह से भी एक सच पता चलता है कि वो उस रात मेरिन को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। ये सुनते ही पेरिस टेरी को पीटने लगता है क्योंकि उसने ये बात तब नहीं बताई जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब पेरिस अपने ख्यालों में उस रात का सीन देखता है जब उसका भाई मेरिन को लेकर जा रहा था लेकिन वो काफी नशे में था। जिसकी यह हालत देखकर मेरिन उसकी कार से उतर जाती है और वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगती है। इसी बीच टेरी वहाँ पर सो गया होता है लेकिन जब टेरी वापस नींद से जागता है तो उसके कपड़ों पर खून लगे हुए होते हैं। साथ ही उसके पास एक पत्थर भी पड़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर टेरी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जंगल की तरफ जाता है तो उसे वहाँ मेरिन की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर टेरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था इसलिए वो पास वाले लेक पर जाता है और खून लगे हुए अपने कपड़े और वो पत्थर वहीं पर फेंक देता है। ये सब देखकर पेरिस अपने भाई को ही इसका जिम्मेदार मानता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके भाई ने ही मेरिन को मारा है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो पेरिस को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगले दिन ली पेरिस को पुलिस स्टेशन से वापस ले आता है। इसी बीच पेरिस नोटिस करता है कि ली ने भी अपने गले में एक क्रॉस पहना हुआ था और ये वही क्रॉस होता है जिसे मेरिन पहना करती थी। फिर पेरिस ली से पूछता है कि ये क्रॉस तुम्हारे पास कैसे आया। तब ली उसे बताता है कि ये क्रॉस मेरिन ने उसे खुद ही दिया था। यहाँ पर ली एक सीक्रेट रिवील करता है कि मेरिन जिस लड़के के लिए तुम्हें छोड़ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। यह सुनकर पेरिस काफी गुस्सा होता है कि उसके ही फ्रेंड ने उसकी बेस्ट फ्रेंड मेरिन के साथ चीट किया। तभी पेरिस गुस्से में कार से मेरिन के फादर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपकी बेटी के साथ किसी दूसरे लड़के का अफेयर चल रहा था। इस पर उसके फादर कहते हैं नहीं, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी और हमेशा तुम्हारा ही नाम लिया करती थी। इसके बाद पेरिस एक सुनसान जगह पर चला जाता है और अपने सिंहों को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो मजबूती के साथ उसके सिर में थे जिसके कारण वो अलग नहीं हो पा रहे थे। तभी पेरिस देखता है कि उसकी तरफ बहुत सारे सांप आ रहे होते हैं जो कि उसके सिंह देखकर आ रहे होते हैं। ये देखकर पेरिस एकदम से घबरा जाता है और उन सांपों से बचकर भागने लगता है। अब यहाँ पर पेरिस रियलाइज करता है कि वो सिंह उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो पावरफुल हो गया है। इसके बाद पेरिस उस वेट्रेस के पास जाता है जिसके बाद वो सांप उस वेट्रेस को काट लेते हैं। फिर पेरिस वहाँ से चला जाता है। पेरिस को पुलिस फॉलो कर रही थी लेकिन पेरिस अपनी पावर का यूज करके यहाँ से निकल आता है। इसके बाद पेरिस अपने भाई के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका भाई बहुत सारा ड्रग्स ले रहा होता है। फिर पेरिस अपने पावर की मदद से उसे सारी ड्रग्स को खा लेने के लिए कहता है जिसके बाद उसका भाई टेरी पूरा ड्रग्स खा लेता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। ये सजा पेरिस ने टेरी को इसलिए दी थी क्योंकि उसने पुलिस के सामने अपना बयान नहीं दिया था। अगले दिन ली पेरिस के पास आता है और उससे कहता है कि ये मेरिन का फैसला था कि वो तुम्हें छोड़ने वाली है। इसी बात पर ये दोनों झगड़ने लगते हैं। इसी बीच पेरिस ली के गले से मेरिन का क्रॉस निकाल लेता है। क्रॉस निकलते ही ली को पेरिस के सींग दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर पेरिस समझ जाता है कि ली मेरिन के क्रॉस की वजह से ही प्रोटेक्टेड था। अब पेरिस ली का गला दबाने लगता है तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। दरअसल जिस दिन मेरिन मरी थी उस दिन मेरी ली को बताती है कि वो पेरिस से ब्रेकअप करेगी पर यहाँ पर उसने ये नहीं कहा था कि वो ब्रेकअप के बाद ली के साथ रहेगी। फिर उसी रात रेस्टोरेंट में पेरिस और मेरिन का ब्रेकअप हो जाता है और ली बाहर से ये सब देख रहा था। इसके बाद जब पेरिस इस रेस्टोरेंट से चला जाता है तब टेरी मेरिन को ड्रॉप करने के लिए जाता है। इसी बीच पीछे पीछे ली भी आ गया था। वो देखता है कि टेरी की नशे के कारण आंख लग गई होती है। अब ली जंगलों में जाता है जहाँ पर मेरिन थी। इसके बाद ली जबरदस्ती मेरिन को किस करने लगता है। इस पर मेरिन उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मेरिन ली के ऊपर गुस्सा होती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। ये देखकर ली को गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती से उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। इसी बीच मेरिन ली के हाथ को काट लेती है। तभी ली गुस्से में आकर एक पत्थर मेरिन के सिर पर दे मारता है जिससे मेरिन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ली ने उस पत्थर को टेरी के पास रख दिया था जिससे टेरी फंस जाए। खैर अब पेरिस को
सारी बातें समझ में आ जाती हैं, जिससे उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। फिर ली पेरिस पर पीछे से हमला कर उसे गाड़ी में बैठा कर उस पर गैसोलीन छिड़क देता है, जिसके बाद ली उस गाड़ी में आग लगा देता है। अब पेरिस गाड़ी को तेजी से भगा कर पानी में गिरा देता है। इसके बाद चारों तरफ ये खबर पहुंच जाती है कि पेरिस के कार में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है और उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। यहाँ टेरी भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वहीं दूसरी तरफ हम पेरिस को पानी से निकलते हुए देखते हैं, यानी कि पेरिस अभी भी जिंदा है। अब पेरिस उसी जख्मी हालत में मेरिन के फादर के पास जाता है और उनसे बताता है कि मेरिन का असली कातिल कौन है। फिर पेरिस मेरिन के क्रॉस को उसके फादर को दे देता है। इस पर मेरिन के डैड कहते हैं कि इस क्रॉस की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। फिर जैसे ही पेरिस मेरिन के क्रॉस को पहनता है तो वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और उसके सींग भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद पेरिस उसी जगह पर जाता है जहां ली ने मेरिन को मारा था। अब पेरिस को वहां पर मेरिन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम मेरे मरने के बाद ही इसे पढ़ पाओगे। साथ ही उस पर यह भी लिखा होता है कि आज तक हमने जो ख्वाब देखा था उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं जल्द ही मर जाऊंगी, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो। ये सब पढ़कर पेरिस इमोशनल होकर रोने लगता है और यहाँ से भागकर तुरंत हॉस्पिटल पहुँचता है। अब पेरिस टेरी को बताता है कि मेरिन का कातिल ली है, इसलिए मैं उसे सजा दिलवा के ही रहूंगा। इस पर टेरी भी उसके साथ चलने के लिए बोलता है। अब पेरिस ली के पास जाता है। यहाँ पर ली को नहीं पता होता कि पिछले रात उसके और पेरिस के बीच में क्या हुआ था। इसके बाद पेरिस ली को उसी जगह ले जाता है जहाँ पर ली ने मेरिन को मारा था। यहाँ पर पेरिस ली से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरिन को मारा है। इस पर ली कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर ऑफिसर और टेरी भी आ जाती है। फिर इन सब में लड़ाई हो जाती है जिसमें टेरी का पैर घायल हो जाता है और वो ऑफिसर जान से मारा जाता है। अब पेरिस मेरिन का क्रॉस थोड़ी देर के लिए निकाल देता है। फिर पेरिस जैसे उस क्रॉस को निकालता है तो वो एक डेविल बन जाता है। अब ली शॉटगन से पेरिस को मारने की कोशिश करता है लेकिन पेरिस के बॉडी पर गन का कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद पेरिस ली के पेट में अपना सींग घुसा देता है जिसकी वजह से ली काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और तभी एक सांप ली के मुंह के रास्ते उसके पेट में घुस जाता है और इससे ली की वहीं पर मौत हो जाती है और इसी तरह पेरिस का बदला पूरा हो जाता है। जिसके बाद पेरिस उस क्रॉस को नहीं पहन पाता जिससे उसकी बॉडी भी पत्थर की हो जाती है, यानी कि अब वो भी मर जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि पेरिस आफ्टर लाइफ में मेरिन के साथ होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।